हाय एवरीवन, आज मैं आपको पीरियड्स से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स आपके बर्स्ट करने वाली हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आपको पीरियड्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ पीरियड्स की साइकिल क्या होती है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, ओवुलेशन कब होता है, फर्टिलिटी और फर्टाइल पीरियड पर तो हम कई बार बातें कर चुके हैं, बट आज हम बातें करेंगे पीरियड्स से रिलेटेड जो आपके दिमाग में जो शंकाएँ हैं, जो मैं अक्सर ही सुनती हूँ, डेली ओपीडी में सुनती हूँ, समझाने के बाद भी मुझे फिर वापस लगता है वापस समझाऊँ, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके पीरियड्स से रिलेटेड आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ। पीरियड कब स्टार्ट होते हैं, यंग बच्चों में क्या होता है, पेन क्यों होता है, पीरियड के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें, और पीरियड्स में क्या यूज करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल कप, पैड्स, इतनी सारी टैम्पोन्स चीजें आ गई हैं, तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पीरियड्स स्टार्ट होने की एज क्या होती है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं अराउंड 10 टू 13 ईयर्स पे। अब आपको लग रहा होगा 10 साल पे, यस, 9.5-10 साल के बच्चों को हल्के से पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये पीरियड 8 साल से पहले या 9 साल से पहले आ गया तो हम इसको गलत मानते हैं। 9 साल से पहले पीरियड अगर आता है तो हम कहते हैं ये प्रीकोशियस प्यूबर्टी है, यानी कि टाइम से पहले बच्ची मैच्योर हो रही है, या तो अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर इन जनरल जस्ट विदाउट एनी रीज़न लड़कियों में अक्सर जल्दी प्यूबर्टी आती है, मेल्स में लेट आती है, लड़कों में लेट आती है, लेडीज़ में, गर्ल्स में जनरली प्यूबर्टी जल्दी आती है, ठीक है। तो 9 साल से पहले अगर आ रहा है तो गलत है, तो आपको डॉक्टर के पास आना है। 10, 10.5, 11 साल पे आ रहा है, 12 साल पे आ रहा है, व्हाट टू वरी यार। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मैम मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 11 साल की है, उसको पीरियड कैसे आ गया, बाकी तो बड़ा कॉमन है, बड़ा नॉर्मल है। तो बच्चों को 9.5-10 साल पे पीरियड अगर आ रहा है वो नॉर्मल है, लेकिन ये पीरियड रेगुलर नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आपकी बेटी को जब भी पीरियड आएगा वो कम से कम 16, 17, 18 साल की जब तक नहीं हो जाएगी उसका पीरियड रेगुलर नहीं होगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 13-14 साल तक पीरियड रेगुलर हो जाए, वरना इन बच्चों को पीरियड आता है 6-6 महीने रुकता है, 6-6 महीने नहीं आता फिर आता है, आता है तो 15 दिन नहीं रुकता, 15 दिन तक लगातार ब्लीडिंग, फिर वापस 3-4-6 महीने का गैप हो जाता है। तो क्योंकि इनकी जो साइकिल है, जो पूरी हार्मोन साइकिल है, जो कि ब्रेन से लेके, ब्रेन में भी दो पार्ट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर ओवरी, फिर यूट्रस, तो बेसिकली ये पूरी साइकिल मैच्योर होने में 4-5 साल लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मेनार्के, मेनार्के यानी कि जब उसको पहली बार पीरियड आया। तो ये एज जो है आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं अगर ये 9 साल के बाद हो रहा है, 10 साल के बाद तो बड़ा ही कॉमन हो गया आजकल, ठीक है। इररेगुलरिटी मैंने आपको बता दी, शुरू के जो कुछ साल है 3-4 साल 5 साल इररेगुलर रहेगा, टाइम से नहीं आएगा, पेन भी ज़्यादा नहीं होगा। इन बच्चों को पेन क्यों नहीं होता, क्योंकि इनको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। शुरू की जो साइकिल्स होती हैं, जो पीरियड्स आ रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही पीरियड आ रहा होता है क्योंकि साइकिल मैच्योर हो रही है, उस समय उनको अंडा नहीं फूट रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए पेन भी बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, पीरियड का पैटर्न नहीं समझ में आता, कभी भी आ जाता है, कभी भी रुक जाता है, बहुत दिन नहीं आएगा और फिर चलता रहेगा, ठीक है। पहला मिथ ये हो गया कि मेरी बेटी को पीरियड इतनी जल्दी कैसे आ गया। दूसरा मिथ ये हो गया, मेरी बेटी को पीरियड रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है, रुक रुक के क्यों आ रहा है, समझ गए ये दो क्वेश्चन। तीसरा मिथ जो कि हमारी कंट्री में बड़ा कॉमन है कि भाई पीरियड्स के समय नहाना चाहिए कि नहीं, पीरियड्स के समय अचार की बोतल टच करनी चाहिए कि नहीं, इसमें मैं कई बार वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। पैडमैन पिक्चर आई थी तब भी मैंने बताया था, लेडीज़ को घर के बाहर सुलाना, लेडीज़ को बिस्तर पे ना सुला के जमीन पे सुलाना, किचन में नहीं भेजना, ये सारे मिथ्स हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। पीरियड्स की वजह से कोई अछूत नहीं हो जाता, कोई अनटचेबल नहीं हो जाता, उसको रेस्ट देने के लिए लड़की को कि भाई उसको पीरियड्स के समय जो पेन होता है उसको रेस्ट मिल जाए, उसको काम ना करना पड़े, ये सारे रीति रिवाज आए थे। तो जो पुराने लोग थे वो इसको समझाने के लिए कि हाँ पीरियड्स के समय लड़की को काम नहीं करना है क्योंकि वो अछूत हो गई है, ऐसा नहीं है, इट इज़ बिकॉज कि वो चाहते थे कि वो लड़की को रेस्ट मिले, दिस इज द ओनली रीज़न। बाकी आप सब कुछ करें, मैं तो लड़कियों को ये भी बोलती हूँ आप एक्सरसाइज करें, फ्रेश एयर एक्सरसाइजेज, साइकिलिंग सब करना चाहिए, थोड़ा योगा भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, पीरियड्स के समय आपके पेट में प्रोस्टाग्लैंडिंस आते हैं, आपके पेट में तो क्रैम्पी मूवमेंट्स आते हैं, आपका पेट थोड़ा ब्लोट हो जाता है क्योंकि अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, तो पूरे टाइम पॉटी जैसा लगना, पूरे टाइम कुछ भी खाने के बाद पेट इतना बड़ा ब्लोट हो जाता है, तो वो दैट इज़ नॉर्मल। तो अगर वो एक्सरसाइज करेगी, थोड़ा हल्का खाना खाएगी तो उसको अच्छा फील होगा, रादर देन कि उसको भर भर के खिला दिया कि हाई ये तो वीक हो जाएगी, मेरी बेटी को पीरियड आ गया, खूब भर भर के खिला दिया, उसके बाद बेचारी ना उठ पा रही है ना बैठ पा रही है, वो लेटी हुई है,
लेटे रहने से और ज़्यादा पेन होता है। तो ये दो क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं हमेशा कि पीरियड में पेन का क्या करें और पीरियड के समय नहाना चाहिए कि नहीं, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं, साइकिलिंग करनी चाहिए कि नहीं, ये सारे जो मिथ्स हैं आपके उसको मैं बस्ट करना चाहती हूँ कि बेसिकली बच्ची को बिल्कुल नॉर्मल फील कराएं। यस, बहुत ज़्यादा जंपिंग अम्पिंग ना करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज ना करें क्योंकि स्टेनिंग का डर रहेगा, शायद बॉडी नहीं झेल पाएगी, थोड़ी सी तो वीकनेस, थोड़ा सा प्रोस्टाग्लैंडिंस निकलते हैं, लेकिन उसको नॉर्मल रूटीन वर्क से मत हटाओ, उसको स्कूल भेजो, उसको समझाओ कि ये नॉर्मल है। एक आध दिन अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर दे सकते हैं, बहुत से लोग पेन किलर अवॉइड करते हैं, और खाना थोड़ा कम खिलाना है, स्पाइसी फूड कम खिलाना है क्योंकि पेट में ऑलरेडी इतनी गैस बन रही है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पॉटी लगती है उस समय, डायरिया जैसा हो जाता है, वो सब प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से है। ठीक है, अब आते हैं पांचवें मिथ पे। अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो या तो मुझे बच्चा नहीं होगा या फिर मेरा वेट बढ़ जाएगा। ये एक मिथ है। पीरियड में मुश्किल से 50 से 80 ml, यानी कि 100 ml भी नहीं होता, पूरे 4-5 दिन में आप 80 ml ब्लड निकालती है मैक्सिमम। ठीक है, उसकी वजह से आप मोटे तो नहीं होंगे कि ब्लड नहीं निकल रहा था, मोटे हो रहे हैं? नहीं, मोटापे की वजह से आपका पीरियड कम आ रहा है। आप मोटे हो रहे हैं तो आपके हॉर्मोन्स में गड़बड़ाहट हो रही है क्योंकि आपके जो फैट जहाँ जहाँ जम रहा है ना, वहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन कन्वर्ट हो रहा है। तो जहाँ जहाँ फैट ज़्यादा होगा, पूरी बॉडी में फैट ज़्यादा होगा, आपके पीरियड्स इररेगुलर होंगे, स्पेसिंग बढ़ जाएगी, टाइम से नहीं आएंगे, और धीरे धीरे फ्लो भी कम हो जाएगा क्योंकि आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग भी कम बनेगी। ठीक है, तो पहली बात तो मोटी नहीं होंगी, उल्टा इफेक्ट ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, बच्चा हो जाता है अगर आपको पीरियड्स का फ्लो थोड़ा कम हो गया, दैट इज़ ओके, बिकॉज जो पीरियड आपको 16 साल 17 साल की उम्र पे आता था वो 25 साल पे नहीं आएगा, और वही पीरियड आपको 35 साल पे नहीं आएगा। तब तक आपके एक दो बच्चे हो चुके होंगे, DNC हो चुकी होगी, अबॉर्शन हो चुके होंगे, तब आपको ये देखना है कि अगर आपको साथ में पेन आ रहा है कि पीरियड साफ नहीं आ रहा है, पेन आ रहा है, एकदम ब्लैकिश ब्लड आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि वो सजेस्ट कर रहा है कि शायद आपको इन्फेक्शन है, शायद आपको यूट्रस के अंदर रेशे बन गए, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई थी जिसको कि यही प्रॉब्लम थी, उसको पेन होता था, पीरियड साफ नहीं आ रहा था, उसकी मैंने हिस्ट्रोस्कोपी करी, पतला सा एक कैमरा हम अंदर डालते हैं यूट्रस के, पानी से पूरा यूट्रस खोल देते हैं, उसका मैंने चेक करा, मुझे कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन उसने मुझे नेक्स्ट पीरियड में आके बोला, मैडम मेरे उस टेस्ट के बाद पीरियड अच्छे से आ रहा है, पेन भी कम हो गया। इसका मतलब अंदर कोई रुकावट थी जो कि पानी से खुल गई। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना है, आप दिखा दो, बट नॉर्मल पीरियड, पेनलेस पीरियड आ रहा है, जस्ट फ्लो थोड़ा कम हो गया, नंबर ऑफ पैड्स 4 की जगह आप 2 यूज कर रहे हैं, सो दैट इज ओके। दैट डजंट मीन कि आपको बच्चा नहीं होगा, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। राइट, फिर आते हैं पीरियड के समय कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। मैं लेटली अभी जोश टॉक्स पे गई थी, वहां पर भी मेरे से यंग लड़कियों ने यही पूछा कि मैडम टैम्पून्स, मेंस्ट्रुअल कप या फिर पैड्स क्या यूज़ करें। देखो, पैड्स डेफिनेटली हम लोग सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, पहले कपड़ा यूज़ करते थे, अब अच्छे अच्छे सैनिटरी पैड्स आ गए, अलग अलग ब्रांड्स आ गए हैं। दैट डिपेंड्स आपको कितना फ्लो होता है, कितना बड़ा पैड लगाना है, पैड के साथ विंग्स आ गए हैं जिससे पैंटी खराब ना हो, पैड्स का जो मटेरियल होता है वो आपको सूट हो रहा है कि नहीं, वो आपको देखना है। तो किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट पैड्स डेफिनेटली डिस्पोज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको पैड फेंकना है, आप कहीं गए हैं वहाँ डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन है तो आपके पास पॉलीथिन नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड एक बार एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो स्मेल करता है, आपको पता है, तो स्मेली हो जाते हैं, प्लस इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो जनरली जहां पर कचरा फेंकते हैं उसको बेसिकली इंसिनरेट करते हैं, इसको जलाते हैं, उन सब से बचने के लिए मेंस्ट्रुअल कप्स आए। मेंस्ट्रुअल कप एक छोटा सा, मैंने कई बार वीडियो बनाया है, छोटा सा सॉफ्ट सा कप होता है जो कि वजाइना के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, यंग गर्ल्स अगर कंफर्टेबल हैं तो कर सकती हैं। हमारी इंडिया में थोड़ा सा लड़कियां, स्पेशली जो अनमैरिड लड़कियां हैं, वो अपने जेनिटल्स को ज्यादा हैंडल करना पसंद नहीं करती है, सिमिलरली मैरिड लेडीज भी, उनको लगता है हम कैसे करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पोन्स का फायदा यह है कि आपको मेंस्ट्रुअल कप का स्पेशली आपको जो गंदगी होती है फेंकने की, डिस्पोज ऑफ करने की, वो नहीं होगी, और एक कप को आप 2-3 साल तक आराम से धो के यूज कर सकते हैं, तो पैसे भी बचते हैं, आपको सिर्फ कप निकालना है, ब्लड ड्रेन करना है, उसको पानी से वॉश करके वापस लगाना है। टैम्पून्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि टैम्पून्स आपका अंदर जो एब्जॉर्ब करता है ब्लड, उसकी वजह से आपको स्मेल नहीं आती, आपकी पैंटी गंदी नहीं होती, लेकिन डिस्पोज करने में तो यही प्रॉब्लम होगी, डिस्पोज करेंगे तो इट विल बी लाइक अ डर्टी पैड, वो पूरा भरा हुआ होगा ब्लड से, तो वो आपकी चॉइस है आपको क्या यूज़ करना है। टैम्पून का सबसे बड़ा एक नुकसान है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आप अंदर भूल गई 24 घंटे से ज़्यादा रख दिया तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस आप लोग हमेशा पूछते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली हमारी कंट्री में पैड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बायोडिग्रेडेबल पैड्स आ गए हैं जो कि ईजिली डिस्पोज ऑफ करें तो वहाँ पर आराम से वो मिट्टी में मिलकर खाद जैसे बन जाते हैं, अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, अपने आप वो गल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल है, तो दैट डिपेंड्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि पीरियड से पहले मेरे को इतनी ब्लोटिंग क्यों हो रही है, मेरी उंगलियां इतनी मोटी हो रही है, मेरी अंगूठियां टाइट हो रही है, मेरे को ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, मेरे को इरिटेशन होता है, इस सब को क्या बोलते हैं,
आपको पता होगा, मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया है, PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो जाता है मिड साइकिल पे, 14-15 दिन पे ओवुलेशन हो गया, उसके बाद आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, वो हार्मोन आपकी बॉडी में वेट गेन कराता है, हल्का सा 1-2 किलो पानी भरता है आपकी बॉडी में, वाटर रिटेंशन कराता है, आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, और ये सारे सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी में भी होते हैं, क्योंकि ये सेम हार्मोन 9 महीने आपकी प्रेगनेंसी को बचा के रखता है, आपके बच्चे को बचा के रखता है। तो इस हार्मोन की वजह से आपको इरिटेशन, आपको हेडेक, आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस यानी कि पेन, ब्रेस्ट थोड़ी टाइट हो जाती है, आपकी उंगलियां टाइट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं PMS। इसका सिंपल एक ही सोल्यूशन है, या तो आप विटामिन B6 अपनी डाइट में बढ़ा दें, विटामिन बी की टैबलेट्स भी आती है, नहीं तो आप अपना जो नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये खूब लें, ठीक है। साथ में थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, और थोड़ा स्पाइसी फूड कम रखें, जिससे गैस्ट्रिक ब्लोटिंग नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन ले लें, या फिर आप बिल्कुल उसको ईजीली लें कि हाँ भाई ये नॉर्मल है, ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल है, बहुत से लोगों के साथ होता है, किसी को नहीं फील होता, किसी को ज़्यादा फील होता है, डिपेंडिंग आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जैसे प्रेगनेंसी में कुछ लोग बहुत वेट गेन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो दैट इज़ सबकी बॉडी अलग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति कब आती है। रजोनिवृत्ति हमारी कंट्री में अराउंड 47 ईयर्स पे आ जाती है, यानी कि 47 ईयर्स एक एवरेज एज है हमारी कंट्री में मीनोपॉज का, जब आपको पीरियड्स बंद हो जाते हैं, कम से कम साल भर तक पीरियड नहीं आता तब हम उसको मीनोपॉज बोलते हैं। बाहर की कंट्रीज में अराउंड 53 ईयर्स पे ऐसा होता है, बट अगर हम उसकी रेंज देखें तो 45 से 55 ईयर्स तक आपको पीरियड कभी भी बंद हो सकता है। 45 से पहले हो रहा है या 40 से पहले हो रहा है तो उसको अर्ली मीनोपॉज बोलते हैं, 55 तक भी नहीं बंद हो रहा है तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सारे मिथ्स अबाउट पीरियड्स, जो कि आप मेरे से पूछते रहते हैं और मैं डेली ओपीडी में देखती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है प्राइवेट तो इस नंबर पर कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, मेरी वेबसाइट पर जाएँ drsonal.parihar.com, इस पर जाके आप मेरे सारे प्रोफाइल्स देखें, वहाँ पर भी पेमेंट का ऑप्शन है, आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।